मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संदीप मिंजान आज आप सबके सामने अपनी पहली वीडियो लेके आया हूं और ये वीडियो क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए है। क्लास ट्वेल्थ का यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, आज मैं आप सबको वो समझाने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज की जरूरत है वो चीज है साइंस के बारे में हमें पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम साइंस के बारे में नहीं समझेंगे तो हम फिजिक्स के बारे में नहीं समझ पाएंगे, और अगर हम फिजिक्स के बारे में नहीं समझ पाए तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो बच्चों, हमारा जो क्लास ट्वेल्थ का पहला यूनिट है सब्जेक्ट फिजिक्स का, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स के बारे में कहना चाहता हूं। फिजिक्स क्या चीज है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स? तो बच्चों देखिएगा, फिजिक्स तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि जो साइंस है, हमें साइंस के बारे में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि साइंस क्या चीज है। तो बच्चों जो साइंस होता है, डे टू डे लाइफ में हम जितनी भी चीजें करते हैं, चाहे वो हमारे खाने की एक्टिविटी हो, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो हमारा मार्केट का सिस्टम हो, कहीं पर भी हम हमारे इस पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी फिनोमिनास हो रहे हैं, वो सारे के सारे साइंस के फिनोमिनास हैं। और बच्चों हम जानते हैं कि एक डे टू डे लाइफ में हमें अच्छे से अच्छे सोशल लाइफ को चलाने के लिए हमें साइंस का सहारा लेना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक अच्छे सोसाइटी में अगर हम देखें तो साइंस का बहुत ही ज्यादा अच्छा रोल है। अब अगर हम एक क्लासरूम का एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक क्लासरूम में देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स सामने आते हैं। उनमें से मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जैसे मैं अभी आते यहां पर यूज कर रहा हूं, मेरे पास मार्कर है और मार्कर में मैंने इंक डाला हुआ है। तो बच्चों ये भी एक ऐसा है, ये भी एक आविष्कार है, साइंस का आविष्कार है, साइंस की डिस्कवरी है, जिसकी बेसिस पर मैं यहां पर लिख पा रहा हूं, आप तक अपना नॉलेज पहुंचा पा रहा हूं। दूसरा अगर आप देखेंगे बच्चों, तो वो है मेरा साउंड, जो मैं कह रहा हूं वो बात आप तक कैसे पहुंच पा रही है। और तीसरी चीज बच्चों ये है, अगर हम देखें कि पहले जमाने को कंपेयर करें आज के जमाने के साथ, तो आपको सबसे बड़ी डिफरेंस ये नजर आ जाएगी कि पहले जो लोग थे उनको पढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता था, लेकिन आज देखिए, आज मैं भी आप तक YouTube के माध्यम से पूरा का पूरा नॉलेज पहुंचा पा रहा हूं और आप सारे के सारे उस नॉलेज को ले पा रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर दी है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें साइंस को कैसे हम डिफाइन करें, तो हम ये कह सकते हैं कि YouTube सीधे डायरेक्ट नहीं आए, या मोबाइल फोन्स जो है वो सीधे डायरेक्ट नहीं आए। हमारे इस संसार में धीरे 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 करके साइंटिस्ट लोगों ने आविष्कार किए, सिस्टमेटिक स्टडी की, और उसके बाद इस लेवल पर पहुंच गए। तो हम साइंस को एक नॉलेज कह सकते हैं। साइंस मीन्स अ नॉलेज, साइंस एक नॉलेज है जिसको बहुत सारे साइंटिस्टों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया है, उस नॉलेज को लिया है। इट इज अ सिस्टेमेटिक नॉलेज विच इज गेन्ड बाय एन इंडिविजुअल थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। कहने का मतलब यह हो गया कि साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसको कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल गेन करता है। पर गेन कैसे होता है? गेन करने के लिए उस इंडिविजुअल को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस तो एक नॉलेज आ गया, लेकिन अब बात आती है हमारे सब्जेक्ट की, और हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स।
तो साइंस तो पूरा एंटायर स्टडी आ गया, एंटायर नॉलेज की बात हो रही है, लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि साइंस का एक पोर्शन, एक ऐसा पोर्शन जिस पोर्शन में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, एक ऐसा पोर्शन जिस पोर्शन में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं और नेचर से जुड़े हुए जितने भी फिनोमिनाज हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं, उनको पढ़ते हैं, उसको साइंस कहते हैं, उसको फिजिक्स कहते हैं। साइंस का एक ऐसी ब्रांच जिस ब्रांच में हम नेचर के बारे में पढ़े और नेचर से जुड़े हुए बहुत सारे फिनोमिनाज को पढ़े, उसको फिजिक्स कहते हैं। इट मीन्स द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of nature। तो बच्चों, नेचर की स्टडी को हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। एंड नेचुरल फिनोमिनास। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि नेचर से जुड़ी हुई चीजें, जिन नेचर से जुड़ी हुई चीजें और नेचर से जुड़े हुए जितने भी प्रोसेसेस हैं, उसको अगर हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि सर, ये जो नेचर है, नेचर में तो आपके पास वो चीजें हैं जो कुदरती हैं, जिनको इंसानों ने नहीं बनाया है। तो बच्चों, उनका कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहूंगा। ऐसा है कि अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम साउंड को भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैन मेड है। तो बच्चों का सवाल ये आता है कि सर, आपने तो हमें डेफिनेशन फिजिक्स का नेचर से बोल दिया और आप दूसरी तरीके से आप हमें ये समझा रहे हैं कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है या जो हमारा पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें हम चार्जेस से डील करते हैं और उसके बाद हम उसके रबिंग की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती है कि जो इंसानों को लगता है कि ये मैन मेड है। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहूंगा कि साइंटिस्टों ने वो चीजें नेचर से उठाई है। कहने का मतलब यह है कि नेचर में कोई फिनोमिना हो रहा है तो उस फिनोमिना की बेसिस पर साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर ये चीज ऐसे हो सकती है तो इस प्रोसेस को अप्लाई करके हम नई चीज को डिस्कवर कर सकते हैं या इन्वेंट कर सकते हैं। जैसे एक बहुत बेस्ट एग्जांपल जो है वो है लाइटनिंग। अब लाइटनिंग क्या चीज है? आसमान में बिजली कड़क गई। अब बिजली कड़क रही है तो वो इंसान के हाथ में नहीं है, दैट इज वन ऑफ द नेचुरल फिनोमेना। अब देखिए, सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में स्टार है, सन है और उसके अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, गैलेक्सीज हैं। इंसानों के हाथ में ये सारी की सारी चीजें नहीं है। इंसान उन चीजों को स्टडी करके नई नई चीजें खोज रहा है और उन नई नई चीजों को जो वो खोजता है, उन नई नई चीजों को वो जो डिस्कवर करता है, उन चीजों को हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट फिजिक्स। इट मीन्स अब हमें सब्जेक्ट फिजिक्स की जो डेफिनेशन थी उसके बारे में समझ आ गया। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है, दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मैंने फिजिक्स सब्जेक्ट को साइंस का ब्रांच बोला। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसको भी किसका ब्रांच बोलूंगा? इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स। अब बात आती है हमारे टॉपिक की, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन सबसे पहले हमें आना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स। इट मीन्स आपके पास एक नई चीज आ गई, दैट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स इज इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इट्स
one branch that deals with the study of electric charges at rest. It means now I am explaining the definition of electrostatics. What is that? The definition of electrostatics is that the branch of the subject physics that deals with the study of electric charges at rest. It is much more important to just understand that यहां पर बच्चों आपके पास ये जो लाइन है, ये जो आपके पास चार वर्ड्स है, ये ही मेन वर्ड्स है. आपने ये देख लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसका ब्रांच हो गया? फिजिक्स का. लेकिन बच्चों इसमें एक नई चीज आ गई, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस. पहले तो चार्जेस आए कि चार्जेस क्या है, और उसके बाद बात आ रही है बच्चों रेस्ट की, कि चार्जेस को स्टडी करो और किस स्टेट में स्टडी करो, रेस्ट की स्टेट में स्टडी करो. अब बच्चों बात आती है कि अगर हम इसको रेस्ट की स्टेट में स्टडी करेंगे तो अरे भाई पहले ये तो जाना जाए कि चार्जेस होता क्या है. तो बच्चों अब हम थोड़ा चार्जेस के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज, चार्ज क्या चीज है. तो बच्चों यहां पर अब मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज. तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इस पे स्टडी करा. लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि हर एक चीज जो होती है वो डायरेक्ट हम लिख नहीं सकते, हम सीधा ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है. हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करा गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी करने के लिए बहुत सारे चीजें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तब जाके हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझ आया कि इलेक्ट्रिक चार्ज भी कुछ होता है. अब देखिए इसको स्टडी करने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा, दैट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस योर इलेक्ट्रिक चार्ज. तो बच्चों उसके लिए क्या है कि ग्रीक फिलोसोफर हुए, ग्रीक फिलोसोफर बहुत फेमस ग्रीक फिलोसोफर थे, उनका नाम था बच्चों थेल्स, जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा सोचा कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है. उनको एक्चुअली उन्होंने नहीं सोचा कि चार्ज को, उन्होंने देखा कुछ जेब देखा. वो देखा क्या था, उस देखा कौन समझेंगे. वो देखा ये था कि बच्चों जो वूलन क्लॉथ थे, जिसे हम बोलते हैं कि जब ठंडियों का मौसम आता है तो हम सब लोग क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं. अब जब हम स्वेटर्स पहनेंगे तो जब स्वेटर को हम उतारते हैं तो बच्चों उसमें स्पार्कलिंग होती है, मतलब आप ये बोले कि वहां पर चिंगारियां निकलती हैं. अब वो चिंगारियां देखी गई तो बच्चों फॉर द फर्स्ट टाइम भी मेरे साथ भी हुआ, जब फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने भी अपना स्वेटर उतारने की कोशिश की तो मुझे भी चिंगारियां दिखी. तो एज यूजुअल सारे के सारे लोग ये महसूस करते हैं जब उनके साथ ये चीज पहली बार होती है, डर जाते हैं लोग कि कहीं आग तो नहीं निकल रही. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता बेटा. रियलिटी क्या है कि जब वो चीज एक बार नोटिस की गई, चलो इंसिडेंट मान लीजिए, दूसरी बार नोटिस की गई तो उस चीज पर गौर होना शुरू हो गया कि ये जो चिंगारियां निकल रही हैं, ये चिंगारियां किस वजह से निकल रही हैं, कौन सी चीज है जो इन चिंगारियों को निकालने में मदद कर रही है. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन, बच्चों मैं आपको वही एग्जांपल्स दूंगा जो आपने डे टू डे लाइफ में करे हुए हैं, जो आपने फेस करे हुए हैं. सेकंड एग्जांपल क्या है कि आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपने कार में ट्रैवल करना शुरू कर दिया और कार अचानक से रुक गई. अब कार रुक गई तो आपने कार का दरवाजा खोला और जैसे आपने दरवाजा खोला तो यू फेल्ट समथिंग, आपको कुछ हुआ. अब वो क्या हुआ, आपको शॉक सा लगा. और थर्ड एग्जांपल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसने उस एग्जांपल को किया नहीं होगा. वो एग्जांपल क्या है, आप सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि आपके ड्राई हेयर, और
उनके ऊपर आप लोग पेन को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या कर जाते हैं, उस पेन को अट्रैक्ट करते हैं। या आप कॉम की बात कर लीजिए, कॉम और ड्राई हेयर का एक और कॉम्बिनेशन है, आपने देखा होगा जब आप कंघी करते हैं उसके बाद आप अपनी कंघी की शक्ल देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि चाहे अगर वो नई भी कंघी होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो तो बहुत पुरानी हो गई, क्योंकि उसके ऊपर तो बहुत सारे पार्टिकल्स क्या कर चुके होते हैं, अट्रैक्ट कर चुके होते हैं। तो ये तीन एग्जांपल्स ऐसे हैं जो हम सबने महसूस करे होते हैं। तो अगर इन तीन एग्जांपल्स के बारे में सबसे पहले तो थीम्स ने स्टडी करा कि कुछ होता है, ये सारी चीजें होती है, स्पार्किंग होती है, गाड़ी का जब आप क्या करते हैं, गाड़ी में रुक के आप जब दरवाजा खोलते हैं तो क्या चीज होती है, शॉक बजता है, द थर्ड वन दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो क्या है, कॉम और हेयर का जो है अगर आप रबिंग करते हैं तो अट्रैक्ट करता है। अब ये तीन चार एग्जांपल्स अगर थेल्स ने बोले तो वहां से कहीं ना कहीं किसका नाम निकलना शुरू हो गया, चार्ज के बारे में बात होनी शुरू हो गई। अब देखिए ये कहा गया कि वो जो चिंगारे निकल रही हैं, वो जो चीजें हो रही हैं, दैट इज ड्यू टू वन प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। उस प्रॉपर्टी का नाम बोला गया कि वो प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी चार्ज है। पर बच्चों एज यूजुअल सारे के सारे लोग ये कहते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। मैं ये कहता हूं इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं होती, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। चार्ज जो है, चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। अब आप सारे के सारे रूबरू होंगे एलिमेंट्री पार्टिकल से। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है। तो बच्चों ये जो चार्ज है, चार्ज को बोला गया कि ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब हम जानते हैं कि बॉडी इस एलिमेंट्री पार्टिकल से बनी है, तो कलेक्टिवली हम ये बोल सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ विच अ बॉडी सेट्स इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसकी बेसिस पर एक बॉडी क्या करती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को तय करती है। लेकिन अब देखो, अब हम बोले कोई पूछे कि एक ये जो चार्ज है ये कोई बनाने वाली प्रॉपर्टी थोड़ी, नहीं बच्चों, ये प्रॉपर्टी जो है वो एक किस्म से हम बोलते हैं बाय बर्थ, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास है, ये इलेक्ट्रॉन के पास प्रॉपर्टी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज, जब सपोज हमने क्या करा, हमने पेन और आप ड्राई हेयर की बात करी या कॉम की बात करी, तो सपोज ये हमारे पास कॉम है। अब बच्चों इस कॉम को हमने देखा और ये रब किया और ये छोटे 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 पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर गए। इसका मतलब ये है कि इस कॉम के पास, इस कॉम के पास कहने का मतलब देखिए, कॉम के पास प्रॉपर्टी। तो अभी तो मैं बॉडी की बात कर रहा हूं लेकिन ये बोलने वाली बात है, एक्चुअल में कॉम जिन एलिमेंट्री पार्टिकल से बना है उनकी प्रॉपर्टी चार्ज होती है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट्री पार्टिकल विच कंपोज द एंटायर बॉडी। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहां पर ये पार्टिकल्स को कहा कि ये पार्टिकल्स इस कॉम को अट्रैक्ट कर रहे हैं और दूसरे पार्टिकल्स मैंने यहां पे रख दिए, अब ये वाले अट्रैक्ट कर रहे थे और ये वाले आ ही नहीं रहे इस तक, इसका मतलब अब हमारे पास एक नई चीज आ गई कि इस कॉम के ऊपर कुछ प्रोड्यूस हुआ था। अब बच्चों ऐसा है, सपोज मैं क्या बात करता हूं, हम दो चीजों की बात करते हैं, ये मार्कर है। अब बच्चों ये मार्कर यहां पे, दिस इज द बॉडी, अगर ये मार्कर यहां से दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच ले, ऑल्दो देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन इन बिटवीन दीज टू बॉडीज, इस पार्टिकल और इसके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, तो अगर ये खींच रहा है इसको तो इट मीन्स इसके पास कोई प्रॉपर्टी आ गई है। अब वो प्रॉपर्टी का नाम दे दिया गया कि वो प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज है। तो इट मीन्स हमने कहा कि अगर ये बॉडी इसको खींच रही है तो इट इज चार्ज, इट इज चार्ज। अब हमने क्या बोला, जरूरी नहीं कि खींचे, इस चीज को धकेल भी सकती है,
इसका मतलब इस पार्टिकल पर इस बॉडी का इफेक्ट आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब दूसरी कंडीशन यह है कि पार्टिकल यहां पर है और यह बॉडी जो है ये इस पार्टिकल पर कोई भी प्रभाव नहीं दिखा पा रही, ये बॉडी इस वाले पार्टिकल पर अपना कोई भी प्रभाव नहीं दिखा पा रही। इसका मतलब अब ये पार्टिकल पे इसकी वो डेवलप हुई प्रॉपर्टी का कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ था, इसके ऊपर वो जो प्रॉपर्टी आई थी खींचने वाली या दूर भेजने वाली, वो इस पार्टिकल पर नहीं देखी गई। इट मीन्स अब ये पार्टिकल इसके लिए दूर हो गया। ये दूर होने का मतलब ये है कि इसकी प्रॉपर्टी के बाहर चला गया कोई पार्टिकल, जहां पे इसकी प्रॉपर्टी का कोई भी रोल नहीं है। इसका मतलब अगर ये यहां पर अपना प्रभाव दिखा पा रहा है तो यस इट इज इनसाइड इट्स फील्ड, यहां पर दिखा रहा तो ये भी इसके फील्ड के अंदर है, यहां पर दिखा रहा तो फील्ड के अंदर है, लेकिन जहां पर इसकी उस प्रॉपर्टी ने अपना इफेक्ट दिखाना बंद कर दिया तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस चार्ज का फील्ड क्या हो चुका है, इस चार्ज का फील्ड क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो देखिए बच्चों, अब हमने क्या करा कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोल दिया, तो बच्चों इट मींस अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जैसे मैं पीछे लिख रहा हूं बच्चों एलिमेंट्री चार्ज, तो बच्चों एलिमेंट्री चार्ज की बात ये हो रही, तो तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करूंगा मैं, एक प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो बच्चों आप जानते हैं कि इसमें से जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है बेटे, अगर चार्ज के हिसाब से देखा जाए तो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो बच्चों अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव इसके बारे में अभी समझाऊंगा आपको कि ये न्यूट्रल क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, पर मैं अभी जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलंब चार्ज होता है। अब बच्चों जो ये कूलंब है इट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ये चार्ज की एसआई यूनिट होती है। तो अब बच्चों इसके पीछे मैं नेगेटिव लगा देता हूं। अब बच्चों प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलंब, इट मींस इट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पे और एक प्रोटॉन पे सेम चार्ज अगर हमने रख दिया, इट मींस हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज कितना आ गया, एलिमेंट्री चार्ज। अब एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मींस ऐसा तो नहीं है कि खाली इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, आपके पास प्रोटॉन पे एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो इसको अगर आपने कभी लिखना हो तो उसको आप लिख सकते हैं ±1.6 × 10⁻¹⁹। इसमें प्लस प्रोटॉन को इंडिकेट करवाता है और माइनस इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करवाता है। तो बच्चों यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने चार्ज का डेफिनेशन बोला कि चार्ज क्या चीज है। तो चार्ज हमने बोला कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ विच अ बॉडी सेट्स इट्स फील्ड, जिस की बेसिस पर एक बॉडी जो होती है वो अपनी हदों को तय करती है, अपना फील्ड सेट करती है कि मैं किसी दूसरी जगह पे कहां पे अपना प्रभाव दिखाऊं। अब देखिए इसके बारे में थेल्स ने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया कि ये चीजें होती हैं, उसका नाम दे दिया कि ये चार्ज है। अब हमें पढ़ना जरूरी क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि जो ये चीज है चार्ज है, चार्ज की जो स्टडी अभी तक हम कर रहे थे तो उसके जो हिस्टोरिकल जो एक्सपेरिमेंट हुए वो क्या एक्सपेरिमेंट हुए, उसको क्या देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली क्या बोला गया, कि कौन सा एक्सपेरिमेंट देखा गया जिसकी बेसिस पर हम बोले कि चार्ज ऐसा है वैसा है चार्ज के बारे में जो भी हम स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसा देखा गया कि सबसे पहले यहां पर आएगा
कॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अब देखिए बच्चों, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स अभी इलेक्ट्री, जो इलेक्ट्री लव्स है बेटे, जो इलेक्ट्री वर्ड जहां पर भी आएगा तो आपको यह समझना है कि ये इलेक्ट्री लव्स जो है, इलेक्ट्री वर्ड्स जो है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन से ये डिराइव हुआ है तो इसका मतलब उसके अंदर चार्ज है, तो हम बोल रहे हैं इसका मतलब था कॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो बच्चों बहुत आसानी से हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं, मैंने तीन एग्जांपल्स आपको दिए। अब बच्चों जब हम क्या कर रहे थे, जब हम अपने वुलन क्लॉथ को उतार रहे थे तो वो भी रब हो रहे थे, वहां पर भी रबिंग थी। जब हम क्या कर रहे थे, कॉम्ब और ड्राई हेयर की बात कर रहे थे तो रब कर, वहां पर भी रबिंग थी दो बॉडीज के बीच में। इसका मतलब जब भी हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो एक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाती है, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है चार्ज। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, तो आप बोलेंगे रबिंग इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या कॉज हो गया, रबिंग इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो बच्चों रबिंग को आप फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, 11th स्टैंडर्ड में आपने देखिए होगा कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन दो बॉडीज के बीच में रगड़। तो अगर हम रबिंग की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, और ये दोनों चीजें वो हैं जिनकी वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है, और वो भी किसकी फॉर्म में, रेस्ट फॉर्म में है ना, चार्ज प्रोड्यूस हो गया एक बॉडी के ऊपर रेस्ट की फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा नाम भी तय हो गया, मतलब दूसरा नाम भी हमारे पास रेडी हो गया है। हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑल्सो नाउन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स द अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए बच्चों दूसरा नाम भी अगर कभी आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज द अदर नेम ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स that deals with the study of electric charges but in state of rest. Got it? अब देखिए बच्चों cause भी हो गया। अब बच्चों हमें क्या कहना है कि what are the properties of charge? Charge की क्या क्या properties होती है, properties of charge, what are the properties of charge? तो बच्चों properties, जब हम किसी की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं, किसी इंसान की प्रॉपर्टीज बोलते हैं, किसी चीज की प्रॉपर्टीज बोलते हैं, तो हम ऐसे प्रॉपर्टीज नहीं बोल सकते अपना मन किया तो हम किसी की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं कुछ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके। सपोज हम क्या करते हैं, किसी इंसान की बात करते हैं और हम बोलते हैं कि इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंस इज द प्रॉपर्टी। और इंटेलिजेंस को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे टास्क कर देते हैं किसी इंसान के सामने, और अगर वो टास्क पे पास होता हम बोलते हैं ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इसका मतलब उसी तरीके से हमें अभी चार्ज इंसान को कंपेयर कर दीजिए चार्ज के साथ, और चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कि चार्ज क्या क्या कर सकता है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चार्ज क्या क्या कर सकता है उसके लिए भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए होंगे। तो बच्चों पहला एक्सपेरिमेंट ये देखा गया कि हम जानते हैं कि रबिंग तो होता ही है, रबिंग से चार्ज प्रोड्यूस होगा, पर जोड़ीदार इज सो इंपॉर्टेंट कि कौन से जोड़ीदार को किस जोड़ीदार के साथ जोड़ेंगे आप तो तब जाके चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों मैं दो जोड़ीदार आपको दिखाऊंगा कि जो हिस्ट्री में हुए हैं, तो वो दो जोड़ीदार ये है। पहला वाला जोड़ीदार है बच्चों ग्लास रॉड, ग्लास रॉड का जोड़ीदार है सिल्क, और बच्चों दूसरा जो है वो है इबोनाइट रॉड, इसका जोड़ीदार है बच्चों फर, जिसका दूसरा नाम होता है बेटे कैट स्किन। अब देखिए इससे हमने एक चीज नोटिस की कि अगर ये एक जोड़ी है, ये दूसरी जोड़ी है, तो ये जोड़ी को जब हम रब करेंगे तो इन पे चार्ज प्रोड्यूस होगा,
और जब इस जोड़ी को अगर हम रब करेंगे तो इन पे भी चार्ज प्रोड्यूस होगा। अब देखिए बेटे, मैंने रबिंग से क्या किया, ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। इट मींस इस वाली जोड़ी से मैंने ग्लास रॉड लाया, मैंने नहीं लाया, ये हुआ एक्सपेरिमेंट। और इस वाली जोड़ी से मैंने इबोनाइट रॉड ले लिया, इबोनाइट रॉड। कहने का मतलब यह है बच्चे, आप सोच रहे हो सर सिल्क और इसका रोल क्या रहा, तो बच्चों इसका रोल यही है, इन दोनों चीजों को हमने इन चीजों के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया था, और इन चीजों के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट और फर्दर एक्सपेरिमेंट किया कि क्या होता है इनके साथ। तो बच्चों इनके साथ क्या हुआ उसको देखते हैं। इसके साथ हुआ, हमने तीन एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास हो सकते हैं। वो तीन एक्सपेरिमेंट्स क्या हो सकते हैं बेटे, तीन जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, तीन केसेस जो हो सकते हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट आर दोस थ्री केसेस। तो देखिए बेटा हमारे पास क्या है, पहला वाला जो केस है इट इज ग्लास रॉड, ये एक ग्लास रॉड है, यहां पे मैंने दूसरा ग्लास रॉड रख दिया यहां पे, ये केस नंबर वन। पहला केस ये हो सकता है बच्चों कि मैं ग्लास रॉड को और ग्लास रॉड को क्या कर दूं, यहां पे उसके ऊपर चार्ज करके इन दोनों रॉड्स को एक दूसरे के सामने क्या कर दूं, हैंग करवा दूं, लटका दूं बाय मींस ऑफ अ थ्रेड, एक थ्रेड से। दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों, दूसरा केस हो सकता है एक ग्लास रॉड और उसके साथ एक इबोनाइट रॉड। और तीसरा केस क्या बन सकता है बेटे, दिस इज केस नंबर सेकंड, एंड थर्ड केस मे बी ग्लास रॉड, सॉरी इबोनाइट रॉड एंड इबोनाइट रॉड। अब देखिए बच्चों तीन केसेस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये तीन केसेस देखे गए थे। अब बच्चों ग्लास और ग्लास दोनों सेम चीज है, इबोनाइट और इबोनाइट दोनों सेम चीज है, और यहां पर ग्लास और इबोनाइट इसका मतलब ये चार्ज कर दी हमने, रब करके चार्ज की है बेटे। तो इनको अगर आप ऐसे हैंग करेंगे, लटकाएंगे, तो ये देखा गया था कि जो ग्लास रॉड और ग्लास रॉड है वो एक दूसरे से दूर भाग रही थी, और जो इबोनाइट और इबोनाइट रॉड है वो भी एक दूसरे से दूर भाग रही थी। सिर्फ जो ये दूसरा केस देखा गया, इस केस में इन दोनों को एक दूसरे की तरफ आते हुए देखा गया, इसका मतलब बच्चों यहां पर रिपल्शन हो गया और यहां पे भी रिपल्शन हो गया और यहां पे अट्रैक्शन हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने देखा रिपल्शन, और रिपल्शन कहां पर हुआ, जहां पर दोनों चीजें सेम थी। सेम का दूसरा नाम होता है लाइक, यहां पे भी लाइक, और ये डिफरेंट थी, इसका मतलब अनलाइक। तो बच्चों बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हमारे पास निकल गई, दैट प्रॉपर्टी इज, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये निकली कि लाइक एंड लाइक, दोनों लाइक चीजें कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रही है, रिपल्शन। इट मींस लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस क्या करेंगे बच्चों जरा बोलिए, लाइक चार्जेस रिपेल वन अनदर, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई लाइक चार्जेस रिपेल वन अनदर, मतलब अगर दोनों चीजों में, दोनों बॉडीज में चार्ज सेम है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, दैट इज रिपल्शन इज देयर। और दूसरी क्या चीज देखी गई बच्चों, दूसरी चीज देखी गई कि जब डिफरेंट चार्ज है तो वो दोनों बॉडीज क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, अनलाइक चार्जेस, चार्जेस अट्रैक्ट वन अनदर, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए कहने के मतलब ये हो गया कि अब हमने पर लाइक और अनलाइक, अभी तक जहां तक ये एक्सपेरिमेंट हुआ था वहां तक यही होता था कि लाइक क्या है और अनलाइक क्या है, हमें ये नहीं पता था कि किसके ऊपर पॉजिटिव है और किसके ऊपर नेगेटिव है। अब हिस्ट्री में इनके ऊपर जो नाम दिए गए थे उनके नाम भी दे दिए, कुछ ऐसे अब ऐसे नाम थे जो बोलने में भी थोड़े से कठिन से लगते हैं। तो फिर नाम ये दिए गए कि जो भी चार्ज डेवलप हुआ ग्लास रॉड के ऊपर, ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ था, द चार्ज डेवलप्ड ऑन द ग्लास रॉड विल बी कॉल्ड, क्या नाम दिया गया उसको,
उसको नाम दिया गया विट्रिस, और वो चार्ज जो इबोनाइट रॉड के ऊपर देखा गया उस चार्ज का नाम दिया गया रेजिनियस। अब देखिए हिस्ट्री में दो चार्जेस के नाम, एक का नाम विट्रिस और दूसरे का नाम रेजिनियस, तो देखिएगा अब इसका मतलब ये नाम जो है ये नाम किसी बेसिस पर रखे होने चाहिए थे। तो ये देखा गया, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अब एक विट्रिस है एक रेजिनियस है, बाद में विट्रिस को पॉजिटिव बोला गया और रेजिनियस को नेगेटिव बोला गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है किसने इनको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोला। तो बच्चों फॉर द फर्स्ट टाइम बेंजामिन फ्रैंकलिन बच्चों एक साइंटिस्ट हुआ बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने पहली बार पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसके ऊपर डेवलप हुआ था, ग्लास रॉड के ऊपर डेवलप हुआ था, और जो नाम क्या था उस वक्त विट्रस उसका नाम था, और नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हुआ था वो इबोनाइट रॉड के ऊपर डेवलप हुआ था और उसका नाम क्या था, रेजिनियस था। अब कहने का मतलब एक हो गया कि पॉजिटिव किसके ऊपर होता है और नेगेटिव किसके ऊपर होता है। इसके लिए भी मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूं जो अच्छा सा एग्जाम्पल है। अब वो एग्जाम्पल क्या है, उस एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, सपोज हम एक अखाड़ा बना देते हैं, ठीक है, सुल्तान का अखाड़ा, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक अखाड़ा बनाया, अब इस अखाड़े में कौन जाएगा, पहलवान जाएंगे, पहलवान ही जाएंगे, कोई और जाएगा नहीं। अब देखिए यहां पे इस अखाड़े में दो पहलवान हैं, अब ये लड़ेंगे। अब जब ये लड़ेंगे तो क्या होगा, एक पहलवान दूसरे पहलवान को पटखनी दे देगा और एक पहलवान बेचारा हार जाएगा और एक पहलवान जीतेगा। इसका मतलब हार जीत तो होती है, एक जीतेगा और एक हारेगा। अब दूसरा कंडीशन ये कि हारेगा कौन, हारेगा वही जो कमजोर होगा, और जीतेगा कौन, जीतेगा वही जो ताकतवर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो फोकस है, सपोज ये जीतने वाला है जीत और ये है हार, तो इसने इसके ऊपर क्या कर दिया, इसने इसके ऊपर इतनी ज्यादा ताकत लगा दी कि ये बेचारा हार गया। इट मीन्स ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ दिस जीत, इसने अपने आप को किसके सामने हैंड्स अप कर दिए, इसके सामने। पर क्यों किए होंगे बोलो, ये सीधा हारने अगर लड़ता गया इसका हारने को मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ। अब यही एक्सपेरिमेंट थोड़ा नीचे दिखाना चाहूंगा, यहां पे एक बॉडी, यहां पे दो दूसरी बॉडी, अब ये एक बॉडी है दूसरी बॉडी। यहां पर हमने क्या देखा कि अंदर जो है न्यूक्लियस है ये एटम है और बाहर से क्या है इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसका न्यूक्लियस बॉडी नंबर ए एंड बॉडी नंबर बी। तो देखिए बच्चों अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब रबिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर करते हैं। इसका मतलब चार्जेस को ट्रांसफर करने में किसका रोल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन से अबाउट द ट्रांसफर ऑफ द चार्ज आर इलेक्ट्रॉन्स। कोई कभी भी कहे आपसे कि कौन सी चीजें ऐसी है, कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल ऐसा है जो चार्ज को ट्रांसफर करने में मदद करता है, तो वो है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा पर कैसे होगा, इसका मतलब इनके बीच में लड़ाई होनी शुरू होगी। अब देखिए लड़ाई होगी तो अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो इसका मतलब ये लूजर होगा, लूजर, और ये कौन सा होगा, गेनर। मतलब एक गेन करता है दूसरा क्या करता है, लूज करता है। सपोज मैं क्या करता हूं, 10 इलेक्ट्रॉन्स रखता हूं, अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 प्रोटॉन्स होंगे स्टार्टिंग में। अगर ये बॉडी क्या है, अगर ये स्टेबल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो आप सब जानते हैं। अगर इसके पास क्या है, अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 ही प्रोटॉन भी होंगे। इट मीन्स अब हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि प्रोटॉन्स का काम तो अंदर ही है, वो तो हिलेंगे नहीं, काम किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके दे दिए, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे। अब आप जानते हैं पहले वाले केस में 10-10 दोनों थे, इसके मतलब 10 नेगेटिव थे 10 पॉजिटिव थे, और इसके वाले केस में 8 नेगेटिव और 8 पॉजिटिव। हमने देखा कि 10 ये दोनों कैंसिल करके न्यूट्रल थे, लेकिन
जब इसने लूज किया तो इसने दो लूज किया, अब इसके पास 8 नेगेटिव रहे और 10 पॉजिटिव रहे, और इसके पास 10 नेगेटिव हो गए और 8 पॉजिटिव है। अब देखिए इसके पास 2 पॉजिटिव ज्यादा है और इसके पास 2 नेगेटिव ज्यादा है। इसका मतलब जब भी एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो हमने देखा जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने देखा कि व्हेनेवर अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रबिंग पोर्शन ड्यूरिंग द रबिंग प्रोसेस व्हाट हैपेंस द बॉडी विच लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द बॉडी दैट गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्स द नेगेटिव चार्ज। That's why we call the types of the charges. There are two types of charges. First one is positive charge and second one is negative charge. It means positive positive होगा तो repulsion होगा और negative negative होगा तो attraction होगा. Positive positive होगा repulsion, negative negative होगा वहां पर भी repulsion. Sorry. अगर positive negative हुआ तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त आपके पास attraction होगा, क्योंकि negative negative same, positive positive same. सेम में रिपल्शन और पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव हो उस वक्त आपके पास अट्रैक्शन। तो बच्चों अभी तक हम 3 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर चुके हैं, पहली प्रॉपर्टी जो उसका डेफिनेशन है, दूसरी प्रॉपर्टी लाइक चार्जेस रिपेल वन अनदर, और तीसरी प्रॉपर्टी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट वन अनदर। और उसके बाद बहुत अच्छी बात मैंने आपको बोली कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर दो जो आपके पास चार्जेस की टाइप्स थी विट्रस और रेजिनियस उनको देखा गया और उनका नाम भी सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रख दिया। मुझे लगता है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब तीसरा जो है जो उसके बाद जो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो चार्जेस होते हैं वो उनका नेचर कैसा होता है, वो एडिटिव नेचर के होते हैं। मतलब अगर किसी का किसी के ऊपर किसी बॉडी के ऊपर आपने 3-4 किस्म का चार्ज लगा दिया, अब आप बोलेंगे 3-4 किस्म क्या होती है सर? तो बेटा आई एम टेलिंग अबाउट वैल्यूज ऑफ द चार्जेस, नथिंग एल्स। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो मेनी अदर टाइप्स, नो। आई एम टेलिंग अबाउट द वैल्यूज द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द चार्जेस विच वी आर गोइंग टू बी यूज ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी, एक बॉडी के ऊपर जो हम लगाने वाले हैं। सपोज ये बॉडी है, इसके ऊपर हमने 3-4 चार्ज लगा दिए, इसका मतलब 5 कूलम माइनस 5 कूलम 10 कूलम 15 कूलम 10 कूलम 100 कूलम। तो देखिए बच्चों मतलब इस बॉडी ए के ऊपर अगर कोई बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय दैट टोटल चार्ज व्हिच इज अप्लाइड बाय वी पीपल ऑन दिस बॉडी, तो आप बोलेंगे 5 प्लस माइनस 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 100। जो आंसर आएगा बच्चों दैट विल बी द फाइनल नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी। तो बच्चों एज यूजुअल हम जानते हैं इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, इस वाले का आंसर पॉजिटिव आएगा। अब देखो बेटे दूसरी बॉडी मैंने डाली, इसके ऊपर 10 कूलम डाल दिया माइनस 10 कूलम डाल दिया, 15 कूलम डाल दिया माइनस 40 कूलम डाल दिया। तो बच्चों देखो 10 और 15 आपके पास कितने हो गए? 10 प्लस 15 इज 25। 25 देखिए बेटे 50 में से 25 चले जाएगा तो आपके पास जाएगा माइनस 25, तो यहां पर नेगेटिव आ गया। और तीसरा अगर आप एग्जांपल दे दे 25 माइनस 25 50 माइनस 50, तो बच्चों यहां पर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि जो चार्ज होता है जब उस पर हम एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज लिख रहा हूं बेटे में नेचर ऑफ चार्ज, कभी भी कोई पूछे कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का जो आंसर है जो रिजल्ट है वो क्या क्या आ सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? द फाइनल आंसर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो। आप सवाल पूछते हैं बच्चे के बोलते हैं कि सर हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, तो आपका जवाब यह आना चाहिए कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज जो है एडिटिव नेचर ऑफ मास से डिफरेंट होता है। वो कैसे होता है? आप बोलेंगे सपोज बच्चों आपका मन करे कि आपने क्या करा कि एक आपके पास 20 केजी राइस, आपने क्या बोला कि हम 10 केजी राइस और डाल देंगे 15 केजी राइस और डाल देंगे, तो जब आप उनको ऐड करेंगे तो हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ सकता। बट इन केस ऑफ एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज द रिजल्ट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव आर जीरो। दैट इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज
एंड एडिटिव नेचर ऑफ मास। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, ये मैंने एज यूजुअल चौथी प्रॉपर्टी। आप देखिए पांचवी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज सिमिलर टू द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जो चार्ज है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। मतलब जितना इनिशियल चार्ज हमारे पास प्रेजेंट होता है उतना ही चार्ज हमारे पास फाइनली भी रहना चाहिए। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना होगा, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होता है, वो एनर्जी वाली बात थी। जस्ट यूज द सेम कंसेप्ट हियर, वही कंसेप्ट आप यहां पर लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। तो बच्चों ये तो आपके पास पांच प्रॉपर्टीज थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों चार्ज की, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और बच्चों एक बात मैं आपको बोल दूं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेनेवर द टू बॉडीज गेट्स रब्ड विद वन अनदर। अब बच्चों हमारे पास जो है क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी जो हम बोल रहे थे, तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके पास ट्रांसफर हुए उनके बारे में मालूम होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर होते हैं उनको हम देखते हैं, और इस प्रॉपर्टी ने कहा कि अगर आपके पास सपोज ये दो मैं चीजें दिखा रहा हूं आपको, तो बच्चों इस चीज को बोला जाता है कॉन्टिन्यूस। ये चीज है बच्चों कॉन्टिन्यूस और ये है नॉट कॉन्टिन्यूस। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि जो चार्ज है चार्ज कॉन्टिन्यूस नहीं होता। दैट इज चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन नॉट कॉन्टिन्यूस फॉर्म और यू कैन से दैट डिस्क्रीट फॉर्म। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डिस्क्रीट फॉर्म में। तो ये भी बोलेंगे कि डिस्क्रीट फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता है पर मैथमेटिकली क्या है, तो आप बोलेंगे मैथमेटिकली इट इज इक्वल्स टू, इट मीन्स मैं यहां बोल रहा हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का आपको डेफिनेशन लिख के दे देता हूं, दिस प्रॉपर्टी टेल्स अस अबाउट द डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो चार्ज है वो डिस्क्रीट नेचर का होता है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, मतलब जो है चार्ज कॉन्टिन्यूस नहीं होता। एंड मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसको इंटीजर से मल्टीपल करेंगे अगर आप, तो वो किसके बराबर कौन सी प्रॉपर्टी देगा? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी देगा। दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, जहां पर जो क्यू है वो इंडिकेट करता है बच्चों चार्ज को, एन जो है वो इंडिकेट करता है बच्चों इंटीजर को, और ई जो है वो इंडिकेट करता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को। अब देखिए यहां पे मैं लिख सकता हूं कि क्यू का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अगर एन को मैं वन पुट कर दूं तो वन ई आ जाएगा, अगर टू पुट कर दूं तो टू ई आ जाएगा, अगर थ्री पुट कर दूं तो थ्री आ जाएगा, फोर ई एंड सो ऑन टू एन ई। अब देखिए बच्चों अगर हमने किया वन इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम प्लस माइनस 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम प्लस माइनस 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एंड सो ऑन। तो बच्चों आपके पास ये वैल्यूज आएंगे प्लस माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम प्लस माइनस 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एंड सो ऑन। तो इसका मतलब यही वैल्यू चार्ज के होते हैं, इनके अलावा चार्ज का वैल्यू नहीं होता। तो बच्चों
आज हमने जो पढ़ा उसका मैं कंक्लूजन आपको बोलने वाला हूं कि आज हमने चार्ज के बारे में पढ़ा और चार्ज की 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी, जिसमें से पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज इट्स डेफिनेशन, और सेकंड वाला प्रॉपर्टी जो था दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल वन अनदर, तीसरा प्रॉपर्टी जो था अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट वन अनदर, चौथा प्रॉपर्टी जो था दैट वाज द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, और उस चौथी प्रॉपर्टी में ही हमने एक थोड़ा सा चीज आपको बोली थी दैट इज हाउ द एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज इज डिफरेंट फ्रॉम द एडिटिव नेचर ऑफ मास। तो आप बोलेंगे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज इज ऑलवेज, सॉरी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज मे बी पॉजिटिव नेगेटिव आर जीरो, बट एट द सेम टाइम एडिटिव नेचर ऑफ मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद मैंने आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी करवाया दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, दैट इज चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी बट नॉट द लीस्ट प्रॉपर्टी दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट प्रॉपर्टी टेल्स अस दैट चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट इन कंटीन्यूअस फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट फॉर्म, एंड इट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आई होगी, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।